गति भाग दो, एक समान तथा असमान गति। पिछले वीडियो में हमने सरल रेखीय गति और दूरी और विस्थापन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन तथा असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन और चाल यानी स्पीड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम गति की दर को समझते हैं। इकाई समय में वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन से इसे मापा जाता है। उदाहरण के लिए माना कि एक गतिशील कार मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, 2 सेकंड बाद ये 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर पहुंच जाती है, अगले 2 सेकंड बाद ये पुनः 10 मीटर चलती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसकी स्थिति बदलती रहती है। 2 सेकंड बाद समय अंतराल में इसकी स्थिति में 10 मीटर का परिवर्तन होता है। अब यहाँ चाल का सिद्धांत आता है, जो कि दूरी तय करने की दर होती है। यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी के समान होती है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी वस्तु की चाल स्थिर हो सकती है या समय के साथ बदल सकती है। माना कि एक वस्तु जैसे एक लाल कार पहले सेकंड में 20 मीटर चलती है, अगले सेकंड में ये पुनः 20 मीटर चलती है और इसी प्रकार चलती रहती है, तो इन छोटे समय अंतरालों में कार समान दूरी तय करती है। इस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाता है। एक समान गति से चलने वाली कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। ये ध्यान देना है कि एक समान गति में किसी वस्तु की चाल स्थिर रहती है, लेकिन अधिकतर चाल स्थिर नहीं होती। ये समान समय अंतरालों में कभी बढ़ती है, कभी घटती है और कभी स्थिर रहती है। इस प्रकार की गति को असमान गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए ये नीली कार पहले सेकंड में 10 मीटर चलती है, अगले सेकंड में 15 मीटर चलती है और तीसरे सेकंड में 8 मीटर चलती है। तो इस बार समान समय अंतरालों में कार द्वारा चली गई दूरी समान नहीं है, इसलिए ऐसी गति को असमान गति कहा जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक तालिका है जो 2 ट्रकों ए और बी के समय और दूरी का डाटा दिखाती है। क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा ट्रक एक समान गति में है और कौन सा असमान गति में? जवाब, ट्रक ए की गति एक समान है, क्योंकि ये 10 किलोमीटर की समान दूरी हर 15 मिनट के अंतराल में तय करता है। असमान गति में जिस तरह एक निश्चित समय अंतराल में चाल बदलती है, हम ऐसी वस्तुओं की दूरी तय करने की दर को औसत चाल से दर्शाते हैं। इसे वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से भाग देकर निकाला जाता है। यदि एक वस्तु S दूरी T समय में तय करती है, तो इसकी चाल v बराबर S बटा T होती है। एक उदाहरण लेते हैं। यदि एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो क्या तुम इसकी औसत चाल बता सकते हो? v बराबर 100 किलोमीटर बटा 2 घंटे बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वीडियो में हमने एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन तथा असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन और चाल यानी स्पीड के बारे में जाना। अगले वीडियो में
हम दिशा के साथ चाल के बारे में जानेंगे।